20,000 रुपए नगद हर महीने सीधे आपके बैंक अकाउंट में। जी हाँ, आज की वीडियो में हम ऐसी ही एक स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ये स्कीम, निवेश कैसे करना है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सब जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को देखा है या कभी देखोगे तो ये जोस मनी के YouTube चैनल का सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो है जिसमें 1.7 मिलियन व्यूज है। टाटा की स्कीम, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस वीडियो में एक स्कीम के बारे में बताया गया है जो कि एक स्कीम नहीं है, वो एक म्यूचुअल फंड है। और इस म्यूचुअल फंड में आपको एक बार लमसम पैसा इन्वेस्ट कर देना है जिसके बाद आपको 20,000 रुपए हर महीने आपको बैंक अकाउंट में मिलेगा। आप मन चाहे ड्यूरेशन रख सकती हो, 3 साल या 5 साल बाद, और जो भी पैसा उसके बाद बचेगा वो आप अलग से निकाल सकते हो। और ये काफी हद तक सही भी है और काफी हद तक गलत भी है। गलत कैसे है मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। टाटा की स्कीम, टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। इस म्यूचुअल फंड में टाटा का नाम है। टाटा का नाम सुनते ही लोगों को भरोसा हो जाता है, लेकिन एक बात जरूर बतानी चाहिए थी कि जो इस वीडियो में नहीं बताई गई है कि यह एक सेक्टोरियल फंड है। अब सेक्टोरियल फंड क्या होता है? सेक्टोरियल फंड अपना पूरा पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर में डाल देते हैं, जैसे कि FMCG सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। तो इससे क्या होता है कि किसी साल इन सेक्टर ने बहुत अच्छी ग्रोथ की तो इनका पैसा बहुत बनता है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर किसी साल इन सेक्टर ने बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं की तो अपना रिटर्न माइनस में भी चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये रिस्की हो जाता है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। किसी दिन बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है तो किसी दिन कुछ भी रिटर्न नहीं देता है। और यह बात इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए जिससे कि वो सोच समझ कर इन्वेस्ट करे। अगर हम इसके 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो इसमें अराउंड 22% इंटरेस्ट मिलता है। 3 साल की बात करें तो अराउंड 16% का इंटरेस्ट मिलता है। इस म्यूचुअल फंड में 1 साल का रिटर्न 22% बताया गया है जो कि अभी माइनस में चल रहा है। ये ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि अभी मार्केट डाउन में चल रहा है। 3 साल का एवरेज रिटर्न की बात करें तो इनने 16% रिटर्न दिया है, वो कि सही बताया गया है। लेकिन अगर इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न देखें तो ऑल टाइम रिटर्न है 16%। लेकिन खास बात तो ये है, जिस दिन से ये फंड लिस्टेड हुआ है उस दिन से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने भी 15% के रिटर्न दिए है, 1% कम है। लेकिन समझने की बात यह है कि जब आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो तो आपको सिर्फ 16% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन जहां आपको बहुत कम रिस्क लग रहा है जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, वहां आप 15% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप 1% के लिए ज्यादा रिस्क क्यों ले रहे हो? इससे अच्छा तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा डाल देते हैं जहां पर आप सेफ भी रहते और रिटर्न भी अच्छा मिल रहा था। लेकिन एक खास बात और, अल्फा हमें बताता है कि अपने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, और अल्फा की वैल्यू हमेशा अपने इंडस्ट्री के वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इस फंड के अल्फा की बात करें तो इस फंड का अल्फा अभी के टाइम पर चल रहा है -0.63 और इसके इंडस्ट्री का चल रहा है 2.6। मतलब कि सीधा मतलब है कि ये अपने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में भी कम रिटर्न दे रहा है, माइनस में रिटर्न दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्टोरियल फंड ऐसे ही होते हैं और ये जरूर बताना चाहिए था। तो इस प्लान में एक्सपेंस रेशियो है 0.9% जो कि काफी बेटर है। एक खास बात और, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.9% का है। अभी एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जब भी हम किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पैसे को फंड मैनेजर बहुत अच्छे से मैनेज कर इन्वेस्ट करता है, और ये मैनेज करके इन्वेस्ट करने की ही एक वो छोटी सी फीस चार्ज करता है और उसी को ही बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो 1 से कम होना चाहिए जो कि इस फंड में 0.9 है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में सिर्फ एक्सपेंस रेशियो है 0.1%। मतलब कि इससे बहुत कम है, जहां पर रिस्क भी कम है, रिटर्न भी अच्छा है। लेकिन SWP के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो SWP बेसिकली एनुअली डिपॉजिट प्लान की तरह काम करता है। इसमें हम जो भी अमाउंट मंथली चाहते हैं वो हम फिक्स करके उसमें पैसे जमा कर सकते हैं। फिर हमारा तय किया गया पैसा हमें मंथली अकाउंट में मिलता रहता है। इसके लिए हम ड्यूरेशन भी अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कि हमें 20,000 रुपीज मंथली इनकम लेने के लिए कितना पैसा जमा करना होगा। लेट्स से कि हमें 20,000 रुपए 3 साल तक चाहिए हो तो देखते हैं कि इसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे SWP कैलकुलेटर से, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा। सपोज हमने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं इस स्कीम में, हमें टोटल इन्वेस्टमेंट एंटर करके 10 लाख करनी होगी क्योंकि हमें 20,000 पर मंथ विड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए 20,000। आगे पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स,
तो इसको डालते हैं 20% जो कि इस प्लान ने एवरेज रिटर्न दिए हैं। गलती जो मुझे इस वीडियो में लग रही है कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ना हमेशा 15% मानना चाहिए, क्योंकि वो एक एवरेज है। आपने यहाँ पर 20% मान लिया है, क्योंकि हर समय मार्केट थोड़ी ना 20% रिटर्न देगा। हो सकता है कि कभी रिटर्न कम भी मिले, इसलिए आपको एवरेज 15% मानना चाहिए था। अब आपको लग रहा होगा कि ये 2-3% से होता क्या है, लेकिन जब आप 2-3% अब कैलकुलेट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। टाइम पीरियड डालते हैं 3 साल, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन देख सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख, टोटल विड्रॉ 7,20,000 रुपीज, फाइनल वैल्यू 7,76,955 रुपीज। इसका मतलब हर महीने 20,000 लेने के बाद भी हमें 3 साल के बाद में 7,76,955 रुपीज मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसी कैलकुलेटर में एक्सपेक्टेड रिटर्न को 15% रखे, जो कि रखना चाहिए, और टाइम पीरियड को 3 ही साल रहने दे, तो हमारे पास पैसा बचेगा 6,31,624 रुपए। लेकिन अगर अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% रहने देते हो, तो ये वैल्यू बनेगी 7,76,955 रुपए। इसका मतलब है कि 1,45,330 रुपए का डिफरेंस है 5% एक्सपेक्टेड रिटर्न कम करने से। और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को 15% ही रहने दे और 5 सालों का टाइम पीरियड कर दे, तो हमारे पास 5 साल बाद बचेंगे 2,84,743 रुपए। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को 20% रहने दे इसी कैलकुलेटर में, तो हमारे पास बचेंगे 5,44,007 रुपए। और अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो हमारे पास डिफरेंस आएगा 2,49,264 रुपए का। मतलब कि खाली 5% एक्सपेक्टेड रिटर्न को ऊपर नीचे करने से कितना ज्यादा अंतर हो रहा है। और मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाह रहा हूँ, मनी ने बिल्कुल ठीक बताया है, लेकिन सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% रखा है। मार्केट कभी भी ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% नहीं रखना चाहिए। मैं जोश मनी को बिल्कुल गलत नहीं ठहराना चाह रहा हूँ, प्लीज इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना दिया जाए या वीडियो को टर्मिनेट ना किया जाए।